हेलो दोस्त नमस्कार, ओम थर्मल में आपका स्वागत है। ओपी सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम बॉयलर चिमनी की उपयोगिता, आकार, रख रखाव पर यह वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करेंगे और सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब अपने विषय पर लौटे दोस्त, हम सबसे पहले चिमनी की उपयोगिता पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, चिमनी प्राकृतिक ड्राफ्ट बनाने का कार्य करती है। ड्राफ्ट मैकेनिकल भी होते हैं जो कई तरह के फैन का उपयोग करके बनाए जाते हैं। फिर भी बिना चिमनी के कोई भी स्टीम बॉयलर प्लांट या किसी भी तरह के फर्नेस से कार्य नहीं ले सकते हैं। अतः हम इतना समझ ले कि बिना चिमनी के आप बॉयलर, आयल बॉयलर या किसी भी तरह के फर्नेस का संचालन असंभव सा है। ऐसा क्यों है, हम एक वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताएंगे। अब चलते हैं हम चिमनी के साइज यानी लंबाई मोटाई पर। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो स्टीम बॉयलर, थर्मोफ्लूर हीटर या किसी भी तरह के फर्नेस का निर्माण कार्य करती है, वह कंपनी चिमनी के साइज पर विशेष ध्यान रखती है, क्योंकि ईंधन एफिशिएंसी का प्रश्न उसके ऊपर होता है। अतः चिमनी छोटी है या बड़ी है इसका सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कहीं कहीं यह पाया जाता है कि चिमनी बॉयलर कैपेसिटी से छोटी है या बड़ी है, यह हमने देखा है। ऐसा इसलिए होता है कि फैक्ट्री ओनर के पास पहले से कोई चिमनी है और फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री इंजीनियर उसी चिमनी से काम चला लेना चाहते हैं, जबकि बॉयलर कंपनी इंजीनियर उनको मना भी करते हैं। चाहे बॉयलर सेक्शन के जानकारी से अनभिज्ञ है या थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तब जाके ऐसा होता है। दोस्त, अब हम मूल विषय पर आते हैं। बड़ी चिमनी से क्या नुकसान है और बॉयलर कैपेसिटी से छोटी चिमनी से क्या नुकसान है, इस पर बात कर लेते हैं। तो आइए छोटी चिमनी के नुकसान पर हम बात कर लेते हैं। चिमनी छोटी होने के कारण फर्नेस ओवरहीट रहता है, बॉयलर सेक्शन में हमेशा प्रदूषित रहता है, प्रदूषण रहता है, क्योंकि फर्नेस बैक प्रेशर में चलता है। ईंधन की एफिशिएंसी हमें उतना नहीं मिल पाती जितना कि मिलना चाहिए। बॉयलर फर्नेस का मरम्मत तो बार बार कराना ही पड़ेगा आपको। अब हम बड़ी चिमनी से नुकसान की बात करें तो इस स्थितियों में भी ईंधन एफिशिएंसी का लॉस होता है। अतः चिमनी को बॉयलर कंपनी के राय के बिना नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अब हम चिमनी के रख रखाव पर भी थोड़ा चर्चा कर लें। तो आप जब भी बॉयलर की सफाई करते हैं, साथ में चिमनी की सफाई अवश्य करें, और सफाई करने के बाद चिमनी के अंदर एक या दो बैग कली चूना को एक स्टील बर्तन में सजाकर चिमनी की तली में रखें। उसके बाद डूर को बंद करें और चिमनी की पेंटिंग भी साल दो साल पर अवश्य कराएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।